रामपुर गांव के पास दो हवेली थी। उनमें से एक हवेली में भूत था। भूत का खौफ इतना ज्यादा था कि कोई हवेली में जाता नहीं था। हवेली का मालिक बड़ा परेशान था कि कैसे पता किया जाए कौन सी हवेली में भूत है। अगर गलत हवेली में घुस गए तो भूत मार देगा। उस हवेली में एक रात रुकने वाले को वो 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित करता है। रोहन और उसका दोस्त सोहन हवेली में जाने के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों सामने खड़े होके हवेली को ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं कि कौन सी हवेली में भूत है और दूसरी वाली हवेली में एक रात रुक किया जाते हैं। कैसे? दोनों को बाहर से ही कैसे समझ जाता है कि कौन सी हवेली में भूत है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरी हवेली को ध्यान से देखिए। पैरों के निशान जो हवेली के तरफ जा रहे हैं उनमें एक पैर सीधा है तो दूसरा पैर उल्टा है। उसी से दोनों समझ जाते हैं और 1,00,000 रुपए जीत जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन 1 वीक के लिए वेकेशंस के लिए जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। चोरी की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। रोहन को उसके 3 फ्रेंड्स पे शक होता है, जेमी, रेचल और सैम। मेहुल तीनों फ्रेंड से पूछताछ करता है। जेमी कहता है, मैं भी 1 वीक के लिए वेकेशंस के लिए माउंटेन्स पे गया था, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? ये देखिए मेरे पिक्चर्स। रेचल कहती है, मैं भी बीच पे थी, पूरा वीक वहीं थी, ये देखिए मेरा पिक्चर। सैम कहता है कि मैं भी डेजर्ट्स में था, पूरा वीक सिटी में था ही नहीं, आप मेरे भी पिक्चर देख लीजिए। इन पिक्चर्स को देख के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? क्या आप इन तीनों पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रेचल की फोटो को देखिए। काइट का डायरेक्शन अलग है और शिप के फ्लैग का डायरेक्शन अलग है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोनों हवा के डायरेक्शन में फ्लो होंगे। वही मेहुल समझ जाता है कि ये फेक फोटो है, रेचल झूठ बोल रही है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक संडे रात को करीब 10 बजे रोहित का मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंचता है और जिन पे शक होता है उन्हें बुलाता है। आकाश, मैं तो पार्टी में गया था, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने रोहित को पार्टी के लिए पूछा था लेकिन उसने मना कर दिया। लखन, मैं शॉपिंग करने मॉल गया था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। निखिल, मैं तो उस टाइम बर्ड वॉचिंग करने गार्डन में गया था, मैंने पूछा था रोहित को चलने के लिए, उसने मना कर दिया। तीनों की गवाही सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी निखिल है। खून करीब 10 बजे हुआ, उस टाइम कोई बर्ड वॉचिंग कैसे कर सकता है? मतलब निखिल झूठ बोल रहा है, वही खूनी है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगर एक चॉकलेट और एक पानी की बोतल 110 रुपए की है और चॉकलेट का कॉस्ट पानी की बोतल से 100 रुपए ज्यादा है, तो आप बताए पानी की बोतल का कॉस्ट क्या होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने आंसर 10 सोचा है तो आपका आंसर गलत है। चॉकलेट का कॉस्ट 100 रुपए ज्यादा है। अगर बॉटल 10 रुपए की है तो चॉकलेट तो 90 रुपए महंगी होगी। इसको सॉल्व करने के लिए बॉटल को x ले लीजिए, तो चॉकलेट क्योंकि 100 रुपए ज्यादा है तो हो जाएगा x+100 और दोनों 110 रुपए के है, तो इक्वेशन हो जाएगी x+x+100=110। तो 2x=10, तो x आ जाएगा 5, मतलब बॉटल हो गई 5 रुपए की और चॉकलेट हो गई 105 रुपए की। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई की ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल करने वाले लोग बढ़ रहे थे, तो लोगों को पकड़ने के लिए टीटी रेगुलर टिकट चेक करने लगे थे। एक बार रोहन ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और टीटी ने आके उससे टिकट पूछा, तो रोहन बोलता है कि मैंने टिकट लिया था लेकिन सामने वाले बंदे ने खिड़की खोल दिया और हवा से मेरी टिकट खिड़की से बाहर उड़ गई। तो टीटी उससे पूछता है कि अभी सामने वाला बंदा कहाँ है।
तो रोहन बोलता है कि वो पिछले वाले स्टेशन पे उतर गया। टीटी समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। कैसे टीटी को कैसे समझता है कि रोहन झूठ बोल रहा है, क्या आप बता सकते हैं? क्लू वीडियो में ही है तो आप चाहे तो वीडियो रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ट्रेन में हवा बाहर से अंदर आती है तो खुद से टिकट खिड़की से बाहर नहीं जा सकती, वो हवा से ट्रेन के अंदर ही उड़ेगी। वहीं टीटी को समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक ट्रेन स्टेशन पे रुकी हुई है, अभी उसमें कुछ पैसेंजर्स है। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन के अगले स्टॉप से 19 लोग ट्रेन से उतरते हैं और 13 लोग ट्रेन में चढ़ते हैं। ट्रेन में अभी 63 पैसेंजर्स है। तो आपके लिए एक सवाल है कि ट्रेन जब सबसे पहले स्टेशन से निकली थी तब उसमें कितने पैसेंजर्स थे? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले स्टॉप पे ट्रेन में से 19 लोग उतरे और 13 लोग चढ़े, मतलब 19-13, 6 लोग ट्रेन में से उतरे, मतलब 6 पैसेंजर्स ट्रेन में से कम हुए। अभी 63 पैसेंजर्स है। तो जब ट्रेन स्टेशन से निकली थी तो 63+6 मतलब 69 पैसेंजर्स थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन स्कूल से जंगल वाले रास्ते से घर आ रहा था कि तभी वो रास्ता भटक जाता है। आगे जाने के लिए उसे 3 गुफा दिखती है। उसे कोई एक गुफा को चुनना होगा आगे बढ़ने के लिए। पहली गुफा के अंदर जहरीले सांप है जो अंदर जाते ही रोहन को डस लेंगे। दूसरी गुफा के अंदर जंगली शेर है जो रोहन को कच्चा चबा जाएगा। तीसरी गुफा के पीछे आदमखोर बैट्स है जो रोहन के अंदर जाते ही उसका खून चूस लेंगे। अब आप सोचिए और मुझे बताइए तीनों में से रोहन को कौन सी गुफा चुननी चाहिए। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिन का समय है और दिन के समय में बैट्स सोते हैं, मतलब ये रास्ता रोहन के लिए सेफ रहेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतनी मस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कितने डिफरेंसेस हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप सारे डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और इन दोनों पिक्चर्स में सिर्फ 3 डिफरेंसेस है। पहला इसकी टंग देखिए, दूसरा हाथी की सूंड देखिए और तीसरा लायन का लेग देखिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। अब इन 4 शैडोज को देखिए और मुझे बताएं इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इस पिक्चर का असली शैडो है सी। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और अब इन 4 शैडोज को देखिए और मुझे बताएं असली शैडो कौन सा है। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका असली शैडो है बी। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए बच्चे की माँ कौन सी है, ए बी या सी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप बच्चे को देखेंगे तो बच्चा एक या दो साल के बीच में है। अब ए की मृत्यु 2015 में हुई, बी की 2016 में और सी की 2020 में। मतलब ए और बी को मरे 3-4 साल के ऊपर हो गया है, तो ये तो मम्मी हो नहीं सकती, मतलब मम्मी सी है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।